पोकेमोन एनिमे को हम लोग कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं एंड काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग बिल्कुल ही नोटिस नहीं कर पाते एनिमे में एंड हमसे वो चीजें मिस आउट हो जाती। पोकेमोन एक्स वाई एक ऐसा सीरीज था जो कि अपने आप में काफी कुछ नया लेके आया था एंड काफी इम्प्रूव भी किया था। और ये कौन से जनरेशन पे सेट किया गया था ये चीज भी हम लोग अच्छे से जानते हैं, जनरेशन नंबर 6। जनरेशन 6 अपने आप में काफी कुछ कमाल धमाल लेके आया था, बेमिसाल चीजें लेके आया था जिसकी वजह से वो काफी लोगों का फेवरेट था और अभी भी है। ये कालोस इलाका इतना अच्छा था कि इसके मेगा एवोल्यूशन की ना हम लोग फैन बन गए थे। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, पोकेमोन एक्स वाई एक ऐसा सीजन था ना जो कि अपने साथ एक बहुत ही बड़ी एक्शन पैक्ड चीज को लेकर आया था जिसका नाम था ऑफ कोर्स मेगा एवोल्यूशन। एंड मेगा एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप में पोकेमोन एक्स वाई सीरीज को बाकी जनरेशन से बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। एंड पोकेमोन एक्स वाई जाने के बाद भी अभी तक ऐसी कोई इसकी टक्कर की चीज आई नहीं है एनिमे या फ्रेंचाइज में जो कि इसको बीट कर सके। लाइक आप लोग डायनामैक्स को ही ले लो, वो भी मेगा एवोल्यूशन की टक्कर का नहीं है। आप लोग जी मूव्स को ही ले लो, वो भी एक नॉर्मल सा टाइप है अटैक का, बट वो भी मेगा एवोल्यूशन के आसपास भी नहीं है। यहाँ तक कि जी मूव वाले सन एंड मून सीरीज में भी एक्स वाई के मेगा एवोल्यूशन के चर्चे किए जाते हैं। एंड आज की हमारी सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है इसी पोकेमोन एक्स वाई के ऊपर जो कि अपने आप में काफी ऑसम सीरीज थी। एंड आज से हम लोग ना एक नई सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा पोकेफैक्ट। अब आपको सुना सुना लग रहा होगा बिकॉज हम पोकेफैक्ट ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, बट वो इंडियन पोकेफैक्ट था, वो इंडिया से रिलेटेड था जो कि हमारी ओरिजिनल सीरीज है, हमने सबसे पहले यूट्यूब स्टार्ट की है। एंड ऐसे ही ये वाला पोके फैक्ट्स का जो सीरीज है वो भी हम ही लोगों ने स्टार्ट किया है। भाई पोके एमवी का नाम नहीं सुना है क्या? हाँ क्या कहा, पोके एमवी? हाँ हाँ जरूर सुना है, पोके एमवी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पोके एमवी एक ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने पोकेमोन के फैक्ट्स की सीरीज को इंडिया में काफी ऊंचाई तक पहुंचाया है एंड इसीलिए उन्हें क्रेडिट देना तो बनता है बिकॉज उन्होंने फैक्ट्स आपके लिए पेश किए हैं। तो हमारा जो सीरीज होने वाला है वो हमारा ओरिजिनल सीरीज होने वाला है एंड उनके सीरीज से डिफरेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू मिक्स अप जनरेशन, एनिमे, गेम्स, एवरीथिंग इन आवर सीरीज। एंड कभी कभी हो सका तो इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आ सकते हैं। खैर इसकी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी बट फाइनली टाइम मिल गया एंड ये एपिसोड आप तक पहुंच पाया। तो बस मुझे आपसे इतना कहना था कि पोके एमवी भाई के सीरीज की फैक्ट्स की सीरीज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप उनकी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप और ज्यादा फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड है। तो चलो हमारा सीरीज स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 से कालोस यानी कि जनरेशन 6 के फैक्ट्स के साथ। और आज आप लोग को ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलने वाले अबाउट कालोस रीजन, एक्स एंड वाई सीरीज एंड लेजेंडरी पोकेमोन, ये वो सब भर भर के मजा आएगा मतलब। और हाँ यार पसंद आई वीडियो तो अब तुम लोग को पता ही, और हाँ यार तुम लोग के लिए तो आते हैं ये सब एपिसोड्स तो सब्सक्राइब किया करो यार। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10, तुम लोग ने यार ऑफ कोर्स पोकेमोन एक्स वाई की जो एनिमी देख रखी होगी एंड उसके अलावा गेम्स भी खेल रखे होंगे एंड बेसिक नॉलेज तो होगी कि पोकेमोन एक्स वाई के बारे में। तो मजे की बात ये है यहाँ के जो लेजेंडरी पोकेमोन है जिनको कि आप लोग जानते होंगे ज़र्नियस और यवाइल्टल, एक्चुअली ये जो है ना ये काफी कंफ्यूजिंग टर्म है, अब मुझे नहीं पता मैं इनको कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इन्हें ज़र्नियस कहा जाता है या फिर ज़र्नियस कहा जाता है वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी फैक्ट में आपको ये चीज पता लगने वाली है, देखते रहिए। तो ये जो ये वाला पोकेमोन है ना इसको ज़र्नियस भी नहीं कहा जाता ना ही ज़र्नियस कहा जाता है, इसको कहा जाता है ज़र्नियस। एंड ऐसे सेम केस इस वाले पोकेमोन के साथ भी है जिसको कि कहा जाता है यवेल्टल या फिर यवेल्टल बोल देते हैं काफी लोग, पर इसको गाइस कहा जाता है इवेल्टल, इवेल्टल। फैक्ट नंबर 9, गाइस आप लोग ने ये बात जरूर सोची होगी एक ना एक दिन कि पोकेमोन का जो एक्स एंड वाई सीरीज है उसका नाम पोकेमोन एक्स वाई ही क्यों रखा गया, इसके अलावा पोकेमोन ए बी या फिर सी डी या फिर जे के भी रख सकते थे, पर क्वेश्चन ये है कि इसका जो है नाम पोकेमोन एक्स वाई ही क्यों रखा गया। इसका जवाब सिंपल है गाइस, जो पोकेमोन है कालोस के लेजेंडरी पोकेमोन है पोकेमोन एक्स और पोकेमोन वाई, उनके नाम देखो स्टार्टिंग से, ये ज़र्नियस का नाम शुरू होता है एक्स से और ये दूसरा वाला इसका नाम शुरू होता है वाई से, और दोनों ही कालोस के लेजेंडरी पोकेमोन से एंड कालोस क्या है पोकेमोन एक्स वाई, तो ज़र्नियस से एक्स ले लिया और दूसरे वाले से वाई ले लिया इक्वल्स टू पोकेमोन एक्स वाई। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जब भी कोई पोके गर्ल आती है पोकेमोन के एनिमे में तो उनका डिजाइन जो है चेंज नहीं किया जाता। हाँ जब वो रिटर्न आते हैं तो उनका डिजाइन चेंज किया जाता है कुछ कुछ, पर जिस भी सीजन में वो एज अ मेन पोके गर्ल रहते हैं यानी कि एश के साथ या फिर कोई भी जनरेशन में भी जो है उनके डिजाइन को बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता है। पर क्या आपको ये बात पता है कि सरीना एक ऐसी पहली पोके गर्ल है पोकेमोन एक्स एंड वाई की सीरीज में जिसका की डिजाइन चेंज किया गया था। अब देखो सीरीज की शुरुआत में सरीना कुछ ऐसी दिखती थी और बाद में उसका डिजाइन ऐसा कर दिया गया, सो बेसिकली सरीना वॉज दी फर्स्ट पोकी गर्ल टू गेट अ रीडू इन हर डिजाइन एंड पोकेमोन एक्स वाई में ऐसा पहली बार हुआ था। फैक्ट नंबर 7, गाइस क्या आप लोगों को पता है कि जब पोकेमोन एक्स वाई आया भी नहीं था, हाँ हाँ मेरा मतलब है आया ही नहीं था ना ही एनिमे में या फिर ना ही फ्रेंचाइज में, उसके कई सालों पहले उसके बनने के कई सालों पहले ही हम लोग को इसका हिंट जो है पोकेमोन एनिमे में देखने मिल गया था या फिर गेम्स में भी।
तो ये बात हो रही है होइन रीजन की यानी कि जनरेशन नंबर 3 की। पोकेमोन एडवांस्ड में यानी कि पोकेमोन के जनरेशन नंबर 3 में होइन रीजन में हम लोग को दो लेजेंडरी पोकेमोन दिखाए गए थे जो कि थे कायोग्रे ग्राउडॉन और आरेक्यूजा भी था, बट यहाँ पे बात हो रही है कायोग्रे और ग्राउडॉन की। ये दो पोकेमोन ऐसे थे जो कि अपने मैक्सिमम फॉर्म से और ज्यादा ऊपर जा सकते थे। उनके फॉर्म का नाम था प्राइमल कायोग्रे और प्राइमल ग्राउडॉन। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो ये चीज काफी हद तक मेगा एवोल्यूशन से मिलती है, बिकॉज अपने फॉर्म को चेंज कर लेना एंड अपने डिजाइन को भी चेंज कर लेना और ज्यादा पावरफुल हो जाना हम लोग को बिल्कुल मेगा एवोल्यूशन की याद दिलाता है। और ये चीज एनिमे में कई सालों पहले ही हो चुकी थी एक डिफरेंट नाम से। फैक्ट नंबर 6 गाइस, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि पोकेमोन एक्सवाई में ऐसा दूसरी बार हुआ था जब कोई कैरेक्टर की छोटी बहन या फिर छोटा भाई उसके साथ ट्रैवल कर रहा हो। पहली बार ऐसा हुआ था पोकेमोन एडवांस में जहाँ पे मेगा छोटा भाई मैक्स के साथ ट्रैवल करता है, एश के भी साथ ट्रैवल करता है, एंड पोकेमोन एक्सवाई में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई कैरेक्टर का भाई या बहन उसके साथ ट्रैवल कर रहा हो। पोकेमोन एक्सवाई में क्लेमोंट और उसकी छोटी बहन बोनी ट्रैवल करते हैं एक साथ। फैक्ट नंबर 5 गाइस, ये फैक्ट ना फिर से लेजेंडरी पोकेमोन्स के ऊपर है, तो काफी अमेजिंग सा टर्म है यार लेजेंडरी पोकेमोन्स, क्यों ना बात करें उसके ऊपर। तो जो कालोस के जो लेजेंडरी पोकेमोन्स है ना, उनकी एक बार डिजाइन और लुक को देखो। आप लोगों को अभी मैंने एक चीज बताई पोकेमोन एक्सवाई का नाम क्यों रखा गया, बिकॉज एक का नाम एक्स से शुरू होता है, एक का नाम वाई से शुरू होता है। पर लेकिन ये कहानी तो बढ़ती ही जा रही है। आप एक बार जर्नियस के डिजाइन को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कुछ अलग सा नजर आएगा। इसके जो हॉर्न्स है वहाँ पे हम लोग को वो एक्स बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि, एंड अगर आप दूसरे पोकेमोन को देखो उसका पूरा शेप ही वाई अल्फाबेट पे है। तो मतलब ये पोकेमोन एक्स वाई को बहुत ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है यार। इन छोटी छोटी चीजों पे इतनी रिसर्च करके बनाया जाता है, ये बात मुझे आज पता चल रही है। और अगर आपको पता चल रही है तो आप लोग भी भाई नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। फैक्ट नंबर 4 गाइस, क्या आप लोग को एक बात पता है एक्सवाई सीरीज में जो कि काफी अमेजिंग थी, एश के साथ बहुत सारी पोकेगर्ल्स जो है ट्रैवल कर चुकी हैं लाइक मिस्टी, मी, डॉन एंड आयरस, पर उनमें से एक को भी एश ने अपने साथ इनवाइट नहीं किया अपनी जर्नी पे। थोड़े बहुत झगड़ों के बाद वो सब दोस्त बन गए एंड साथ साथ ट्रैवल करने लगे। और क्या आपको पता है पोकेमोन एक्सवाई में एश ने सरीना को खुद इनवाइट किया अपनी जर्नी पे, यानी कि एश ने इतनी सारी पोकेगर्ल्स में से किसी को भी आज तक इनवाइट नहीं किया पर उसने सरीना को खुद इनवाइट किया। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है भाई पोकेमोन एक्सवाई लोगों को इतना क्यों पसंद है। खैर जोक्स अपार्ट, फैक्ट नंबर 3 मैंने आपको ये बात तो बता दी, आप लोगों को पता होगा कि पोकेमोन एक्सवाई का नाम पोकेमोन एक्सवाई क्यों रखा गया, लेकिन इसके आगे मतलब उन्होंने पूरी ABCD कंप्लीट कर दी है, उन्होंने एक्सवाई जी को भी लिया है। तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई पोकेमोन एक्स और वाई का नाम तो लेजेंडरी पोकेमोन के ऊपर रख दिया, सिंपल पोकेमोन एक्स और पोकेमोन वाई के ऊपर, पर ये जी कहां से आया, क्या वो उन्होंने ABCD को देखकर एक्सवाई जी रख दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जायगार्ड नाम का पोकेमोन है जो कि पोकेमोन एक्सवाई के फाइनल सीजन पोकेमोन एक्सवाई, उसका नाम शुरू होता है जेड से, तो इसीलिए सीरीज का नाम है पोकेमोन एक्स वाई जी। और आप लोगों के कलर्स को भी देखोगे वहां पे भी आपको हिंट मिल जाएगा। चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है आज, ये दोनों लोगों को आप देखो, पोकेमोन एक्स वाई के लोगों को देखो और पोकेमोन एक्स वाई जी के लोगों को देखो, इसमें आपको सीरीज के ऊपर नेम और बाकी लेजेंडरी पोकेमोन्स के वजह ऊपर से क्या आपको इसमें नजर आ रहा है, मुझे ये बात आप कमेंट करके बताओ। और जो ये बात कमेंट करके बताएगा कि इसमें क्या नजर आ रहा है, देखो उसको ना मैं खुद रिप्लाई दूंगा कमेंट में और थैंक यू भी बोलूंगा, लेकिन जवाब सही होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2 गाइस, आप लोग को पता है कि पोकेमोन एक्सवाई में एश कचम कितना ज्यादा ओपी था, एंड मतलब हम लोग ने ये सोच ही लिया था कि भाई ये बंदा अब लीग को जीत के ही मानेगा, चाहे सामने अलान टोबियस से फिर खुद आरकेएस खड़ा हो, ये बंदा इस बार रुकने नहीं वाला, ये बहुत तबाही मचाएगा इसमें। इतने जिम बैटल्स में तबाही मचाने के बाद वो फाइनली लीग में पहुंच तो जाता है, एंड मतलब ये एक ऐसी लीग थी ना कालोस लीग, इसमें सबने मन बना लिया था कि हाँ भाई इसमें एश पक्का जीतेगा, काफी लोग ने शर्तें लगा ली थी, काफी लोग पहले से ही तैयार हो गए थे, हाँ इस बार भाई पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके देखो एश जीतने वाला है अपना। बट एंड में क्या हुआ आप सबको पता है, अलान से वो हार गया एंड वो सेकेंड आ गया, भाई कोई हारने का चांस ही नहीं था, मतलब बिल्कुल क्या किया यार, मेरे को बोलना ही नहीं इस चीज। फैक्ट नंबर 1 पर बढ़ने से पहले फैक्ट टैक्स के स्टाइल में, फैक्ट नंबर 1 पर बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि आप रेगुलर अपडेट्स पा सको सारे वीडियोस के और आने वाले फैक्ट्स के। और हाँ भाई मैंने फैक्ट टेक्स भाई के स्टाइल में तो बोला है, लेकिन सीरियसली भी लेना है, कहीं समझने लगो कि भाई ये तो स्टाइल में बोल रहा है क्यों सब्सक्राइब करें, ऐसे करोगे क्या यार, जाओ जाके सब्सक्राइब करो। फैक्ट नंबर 1 जो कि काफी लोग के दिमाग को खाता होगा जो कि सरीना के फैंस नहीं है, तो देखो आप लोग में से काफी सारे लोग जो कि सरीना के फैंस हैं और नहीं भी हैं तो वो लोग ये बात जरूर से सोचते होंगे कि भाई सरीना ही ऐसी पोके गर्ल क्यों है जिसको इतना ज्यादा जो है फैन फॉलोइंग मिली है, एंड मतलब ओवरऑल सरीना की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है बाकी सभी पोके गर्ल्स से, ऐसा क्यों है? तो देखो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, काफी सिंपल है। आप लोग ने पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट देख रखा है, अच्छी बात है, आप आयरस को तो जानते होंगे, एकदम इसको बच्चा बना दिया था एंड
काफी ज्यादा ही बच्चा बना दिया था। अच्छा है भाई, यूनोवा में ऐश को कम से कम अपना नाम याद था, नहीं तो सबसे यही कहता रहता, भाई मेरा नाम क्या है और ये पिकाचू क्या होता है, कौन हो तू, भागू यहाँ से। मतलब यार उसको कुछ ज्यादा ही बच्चा बना दिया था एंड इसी चीज के पूरे मजे उठाए भाई आयरस ने। आयरस ने पूरे सीरीज में लगभग हर एक एपिसोड में इतना ज्यादा ट्रोल किया है ऐश को, मतलब सही बेचारे को कुछ आ नहीं रहा है यूनोवा में और तुम उसके, मतलब लगभग हर एक एपिसोड में तुम बच्चे हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम क्यों पोकेमोन मास्टर बनने आ गए, मतलब हर एपिसोड में आयरस ने मतलब ट्रोल किया था लगभग उसको। खैर कॉमेडी एलिमेंट के लिए काफी अच्छी चीज थी, पर इससे ना काफी ज्यादा फैंस जो है नाराज हो गए थे। मतलब आयरस ने उसका इतना मजाक उड़ाया तो आयरस से ना बहुत लोग हेट करने लग गए थे, जो कि आई थिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉमेडी एलिमेंट के लिए डाला गया था। उसके बावजूद भाई आयरस को लोगों ने हेट किया। एंड आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट के बाद कौन सा सीजन आया था पोकेमोन एक्स वाई, जिसमें हम लोग को सरीना पोकेगर्ल दिखाई गई थी। और फैक्ट ये कि भाई सरीना एक ऐसी पोकेगर्ल थी, मतलब ना ही जिसने ऐश से इतना झगड़ा किया, ना ही उसको सताया और बिल्कुल भी मतलब उसको परेशान नहीं किया। ये चीज जो है फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई एंड मिस्टी को भी ऐश पसंद था, पर वो चीज हमें एंड में जाके पता चल रही है जब मिस्टी गुड बाय कर रही है। और उसके बाद मे आई थी और मे का भी मतलब पार्टनर ड्रू दिखाया गया था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और उसके बाद अपनी डीडी आई थी यानी कि डॉन, एंड उसका भी कोई अलग पार्टनर दिखाया गया था जो कि था वो डीडी करके जो चिढ़ाता था उसको। और उसके बाद आयरस आई थी, तो आयरस ने तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ी ऐश को चिढ़ाने की। और उसके बाद इतने सालों बाद अचानक से आ जाती सरीना, जिसको कि ऐश काफी ज्यादा पसंद था एंड सीरीज में हम लोग को ये दिखाया भी गया था। तो एक तरफ तो फैंस की जो है हेट हो गई, जो कि आयरस के लिए थी, काफी ज्यादा गुस्सा थे लोग। एंड दूसरी तरफ एंट्री हो जाए सरीना की, जो कि बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रही थी, इसलिए लोगों को उसका कैरेक्टर पसंद आ गया एंड उसको ऐश भी पसंद था। तो इसी के चलते जो है सरीना की पॉपुलैरिटी बाकी पोके गर्ल से काफी ज्यादा हाई है। तो गाइस यही थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज के पहले एपिसोड के। आपको एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, और आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था इस एपिसोड में इसलिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका भी आंसर मुझे चाहिए, लकी जो होगा जो आंसर देगा उसको मैं खुद रिप्लाई करूंगा, और हो सका तो नेक्स्ट एपिसोड में उसको शाउट आउट भी मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो तुम लोग को पता ही भाई क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नया एपिसोड जल्द से जल्द बनाने के लिए। और हाँ, शेयर भी करना बाकी लोगों के साथ, बिकॉज ओजी ओरिजिनल, तो बाकी लोग तक फैलाओ एंड ऐसी पोकेमोन को सपोर्ट करते रहो। और हाँ यार, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बेल आइकन भी ऑन कर देना अगर कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो, बिकॉज गाइस तुम लोग के लिए मैं इतने अच्छे अच्छे एपिसोड बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो भाई, नेक्स्ट एपिसोड आएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना, आई होप आपको एपिसोड नंबर 1 में मजा आया होगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए और ज्यादा धमाकेदार फैक्ट्स लेकर। जब तक के लिए ट्रू पोकेमोन फैन बने रहे, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।